दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही थीं कि सख्ती के लिए एक बार फिर लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रोज 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से वायरस फैल रहा है, लोगों के मन में सवाल था कि क्या सख्ती को बढ़ाया जाएगा। इस बीच सत्येंद्र जैन ने इन अटकलों को खत्म किया। दूसरी ओर एमसीडी के द्वारा जो कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया गया, उस पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार को कोई डिटेल क्यों नहीं भेजी। नाम, उम्र और रिपोर्ट दे सकते हैं, सभी डिटेल हमें दे दीजिए और फिर साथ में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भी दीजिए। बता दें कि दिल्ली एमसीडी की ओर से दावा किया गया था कि अब तक उन्होंने 2000 से अधिक लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया है जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित थे। हालांकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी दिल्ली में कोरोना से 1000 के आसपास ही मौतें हुई हैं। ऐसे में इस पर विवाद हो रहा है। फिलहाल जिस स्पीड से दिल्ली में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, वो हर किसी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं।